दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों हम चलते हैं आज के कहानी की तरफ। नमो बुधाय, जय भीम। महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन परिचय। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जन्म 11 अप्रैल 1827, मृत्यु 28 नवम्बर 1890, महाराष्ट्र के एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक थे। उनका कार्य कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था, जिसमें अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन और महिलाओं और उत्पीड़ित जाति के लोगों को शिक्षित करने के उनके प्रयास शामिल थे। वह और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। फुले जी ने 1848 में पुणे में तात्या साहेब भिड़े के निवास या भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्यशोधक समाज, सत्य साधकों का समाज का गठन किया। सभी धर्मों और जातियों के लोग इस संघ का हिस्सा बन सकते थे। फुले जी को महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। महात्मा, संस्कृत महान आत्मा, आदरणीय, सम्माननीय शब्द पहली बार 1888 में मुंबई में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उनके लिए इस्तेमाल किया गया था। महात्मा ज्योतिराव फुले, जन्म 11 अप्रैल 1827, पूना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पुणे, महाराष्ट्र, भारत। मृत्यु 28 नवंबर 1890, आयु 63 वर्ष, पुणे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, महाराष्ट्र, भारत। अन्य नाम ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले, पाए, स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल, पूना, 1842। उल्लेखनीय कार्य, ब्रह्मनांचे कसाब 1869, शेतकार्यांचा आसुद 1883, गुलामगिरी 1873, तृतीय रत्न 1855। पत्नी सावित्रीबाई फुले, बच्चे 1। परिवार गोविंदराव फुले, पिता चिमनबाई फुले, माता युग 1827 से 1890। भाषा मराठी। मुख्य रुचियां नैतिकता, मानवतावाद, शिक्षा, सामाजिक सुधार। प्रारंभिक जीवन, ज्योतिराव फुले जी का जन्म 1827 में पूना, पुणे में माली जाति के एक परिवार में हुआ था। माली पारंपरिक रूप से जाति पदानुक्रम की 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था में फल और सब्जी उगाने का काम करते थे। उन्हें शूद्र श्रेणी में रखा गया था। फुले जी का नाम हिंदू देवता ज्योतिबा के नाम पर रखा गया था। उनका जन्म ज्योतिबा के वार्षिक मेले के दिन हुआ था। फुले जी के परिवार, जिसका पहले नाम गोरहे था, की उत्पत्ति सतारा शहर के पास कटगुन गांव में हुई थी। फुले जी के परदादा, जिन्होंने वहां चौगुला या निम्न श्रेणी के गांव के अधिकारी के रूप में काम किया था, पुणे जिले के खानवाड़ी चले गए। वहां उनके इकलौते बेटे शेतिबा ने परिवार को गरीबी में ला दिया। 3 बेटों सहित परिवार रोजगार की तलाश में पूना चला गया। लड़कों को एक फूल वाले के संरक्षण में ले जाया गया, जिसने उन्हें व्यापार के रहस्य सिखाए। बढ़ने और सजाने में उनकी दक्षता अच्छी तरह से जानी गई और उन्होंने गोरहे के स्थान पर फुले नाम अपना लिया। शाही दरबार के अनुष्ठानों और समारोहों के लिए फूलों के गद्दे और अन्य सामानों के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय से मिले कमीशन की उनकी पूर्ति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इनाम प्रणाली के आधार पर उन्हें 35 एकड़ 14 हेक्टेयर जमीन दे दी, जिसके तहत इस पर कोई कर देय नहीं होगा। सबसे बड़े भाई ने संपत्ति का एकमात्र नियंत्रण लेने की साजिश रची, जिससे छोटे 2 भाई बहन ज्योतिराव फुले जी के पिता गोविंदराव, खेती जारी रखने और फूल बेचने के लिए गोविंदराव जी ने चिमनाबाई से विवाह किया और उनके 2 बेटे हुए, जिनमें ज्योतिराव सबसे छोटे थे। 1 वर्ष की आयु से पहले ही चिमनाबाई की मृत्यु हो गई। तत्कालीन पिछड़े माली समुदाय ने शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया और इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में जाने के बाद, जहां उन्होंने पढ़ना लिखना और अंकगणित की मूल बातें सीखी, ज्योतिराव जी को उनके पिता ने स्कूल से निकाल दिया। वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुकान और खेत दोनों में काम करने लगे। हालांकि फुले के समान माली जाति के एक व्यक्ति ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और फुले जी के पिता को उन्हें स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में जाने की अनुमति देने के लिए राजी किया। फुले जी ने 1847 में अपनी अंग्रेजी स्कूली शिक्षा पूरी की। जैसा कि प्रथा थी, उनकी शादी 13 वर्ष की छोटी उम्र में उनके माली समुदाय की एक लड़की से कर दी गई, जिसे उनके पिता ने चुना था। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ 1848 में आया, जब वे एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए। फुले जी ने पारंपरिक विवाह जुलूस में भाग लिया, लेकिन बाद में उनके मित्र के माता पिता ने ऐसा करने के लिए उन्हें डांटा और अपमानित किया। उन्होंने उनसे कहा कि शूद्र जाति से होने के कारण उन्हें उस समारोह से दूर रहना चाहिए था। इस घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और जाति व्यवस्था में निहित अन्याय के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। सामाजिक सक्रियता, शिक्षा, महात्मा फुले वाड़ा, पुणे। ये वह स्थान है जहां फुले जी अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ अपने जीवन के कुछ समय के लिए रुके थे। इसका निर्माण लगभग 1852 में हुआ था। 1848 में 21 वर्ष की आयु में फुले जी ने ईसाई मिशनरी सिंथिया फरार द्वारा संचालित अहमदनगर में लड़कियों के स्कूल का दौरा किया। 1848 में ही उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी समझ विकसित की।
उन्होंने महसूस किया कि शोषित जातियां और महिलाएं भारतीय समाज में वंचित थीं, और यह भी कि इन वर्गों की शिक्षा उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। इस उद्देश्य से और उसी वर्ष फुले जी ने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई जी को पढ़ना और लिखना सिखाया और फिर इस दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया। उन्होंने अपनी बहन सगुनाबाई क्षीरसागर, अपनी मौसी की बेटी को भी सावित्रीबाई जी के साथ मराठी लिखना सिखाया। पुणे के रूढ़िवादी उच्च जाति समाज ने उनके काम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने उनकी उदारता से मदद की। पुणे में रूढ़िवादियों ने उनके अपने परिवार और समुदाय को भी उन्हें बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख जी और उनकी बहन फातिमा शेख जी ने उन्हें आश्रय प्रदान किया। उन्होंने अपने परिसर में स्कूल शुरू करने में भी मदद की। बाद में फुले जी ने महार और मांग जैसी तत्कालीन अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। एलेनोर ज़ेलियट ने 1857 के विद्रोह के कारण निजी यूरोपीय दान में कमी, सरकारी सहायता वापस लेने और पाठ्यक्रम के बारे में असहमति के कारण ज्योतिराव जी द्वारा स्कूल प्रबंधन समिति से इस्तीफा देने को बंद होने का दोषी ठहराया। महिला कल्याण, फुले जी ने देखा कि कैसे अछूतों को अपनी छाया से किसी को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें जिस रास्ते से यात्रा करनी थी उसे साफ करने के लिए अपनी पीठ पर झाड़ू बांधनी पड़ती थी। उन्होंने देखा कि कैसे अछूत महिलाओं को नग्न नृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने युवा विधवाओं को अपने सिर मुंडाते हुए देखा जो अपने जीवन में किसी भी तरह की खुशी से दूर रहती थीं। उन्होंने असमानता को बढ़ावा देने वाली इन सभी सामाजिक बुराइयों को देखकर महिलाओं को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से शुरुआत की। हर दोपहर ज्योतिराव जी अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ बैठते थे और जब वह खेतों में जाती थी जहां वह काम करते थे तो उन्हें भोजन लाने के लिए शिक्षित करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को एक स्कूल में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा। पति पत्नी ने 1848 में पुणे के विश्रामबाग वाडा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल स्थापित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में एक सुरक्षित स्थान पर बच्चे को जन्म देने के लिए उच्च जाति की गर्भवती विधवाओं के लिए एक घर शुरू किया। शिशु हत्या की दर को कम करने के प्रयास में उनके अनाथालय की स्थापना की गई थी। 1863 में पुणे में एक भयानक घटना हुई। काशीबाई नाम की एक ब्राह्मण विधवा गर्भवती हो गई और गर्भपात के उसके प्रयास सफल नहीं हुए। उसने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे मार डाला और एक कुएं में फेंक दिया, लेकिन उसका कृत्य प्रकाश में आ गया। उसे सजा का सामना करना पड़ा और उसे जेल की सजा सुनाई गई। इस घटना ने फुले जी को बहुत परेशान किया और इसलिए अपने लंबे समय के दोस्त सदाशिव बलाल गोविंदे जी और सावित्रीबाई जी के साथ मिलकर उन्होंने शिशु हत्या रोकथाम केंद्र शुरू किया। पुणे के चारों ओर केंद्र का विज्ञापन करने वाले पर्चे चिपकाए गए थे। विधवाओं, यहां आओ और अपने बच्चे को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दो। यह आपके विवेक पर निर्भर है कि आप बच्चे को केंद्र में रखना चाहती हैं या अपने साथ ले जाना चाहती हैं। यह अनाथालय बच्चों की देखभाल करेगा। फुले दंपत्ति ने 1880 के दशक के मध्य तक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र चलाया। फुले जी ने शोषित जातियों के सदस्यों के लिए अपना घर और अपने पानी के कुएं का उपयोग खोलकर शोषित जातियों के इर्द गिर्द सामाजिक अस्पृश्यता के कलंक को खत्म करने की कोशिश की। धर्म और जाति पर विचार। फुले जी ने पौराणिक महाबली राजा बलि के शासन को फिर से स्थापित करने की अपील की जो आर्यों के विश्वासघाती तख्तापलट से पहले का था। उन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत का अपना संस्करण प्रस्तावित किया कि भारत के आर्य विजेता, जिन्हें सिद्धांत के समर्थक नस्लीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे, वास्तव में स्वदेशी लोगों के बर्बर दमनकारी थे। उनका मानना था कि उन्होंने जाति व्यवस्था को अधीनता और सामाजिक विभाजन के ढांचे के रूप में स्थापित किया था, जिसने उनके ब्राह्मण उत्तराधिकारियों की श्रेष्ठता सुनिश्चित की। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर बाद की मुस्लिम विजयों को उसी तरह की चीज के रूप में देखा, एक दमनकारी विदेशी शासन के रूप में, लेकिन अंग्रेजों के आगमन से उन्हें हौसला मिला, जिन्हें वे अपेक्षाकृत प्रबुद्ध मानते थे और उन पिछले आक्रमणकारियों द्वारा उकसाए गए और फिर बनाए गए वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को शोषित जातियों को यह एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद दिया कि वे सभी मानवाधिकारों के योग्य हैं। पुस्तक, जिसका शीर्षक गुलामी है और जो महिलाओं, जाति और सुधार से संबंधित है, अमेरिका में उन लोगों को समर्पित थी जो गुलामी को समाप्त करने के लिए काम कर रहे थे। फुले जी ने विष्णु के अवतारों को आर्यन विजय से उपजे उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में देखा और महाबली बलि राजा को नायक माना। जाति व्यवस्था की उनकी आलोचना हिंदुओं के सबसे मौलिक ग्रंथों वेदों पर हमले से शुरू हुई। वे उन्हें झूठी चेतना का एक रूप मानते थे। उन्हें मराठी शब्द दलित, टूटा हुआ, कुचला हुआ को उन लोगों के लिए एक वर्णनकर्ता के रूप में पेश करने का श्रेय दिया जाता है जो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। 1882 में शिक्षा आयोग की सुनवाई में फुले जी ने निचली जातियों के लिए शिक्षा प्रदान करने में मदद की मांग की। इसे लागू करने के लिए उन्होंने गाँवों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की वकालत की। उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेजों में निचली जाति के अधिक लोगों को लाने के लिए विशेष प्रोत्साहन की भी मांग की।
सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1874 को फुले जी ने महिलाओं, शूद्रों और दलितों जैसे वंचित समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। इस समाज के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। सत्यशोधक समाज ने तर्कसंगत सोच के प्रसार के लिए अभियान चलाया और पुजारियों की आवश्यकता को खारिज कर दिया। फुले जी ने मानव कल्याण, खुशी, एकता, समानता और आसान धार्मिक सिद्धांतों और अनुष्ठानों के आदर्शों के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना की। पुणे से प्रकाशित एक समाचार पत्र दीनबंधु ने समाज के विचारों को आवाज दी। समाज की सदस्यता में मुस्लिम, ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी शामिल थे। फुले जी की अपनी माली जाति ने संगठन के लिए प्रमुख सदस्य और वित्तीय समर्थक प्रदान किए। व्यवसाय महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्तियां। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के अलावा फुले जी एक व्यवसायी भी थे। 1882 में उन्होंने खुद को एक व्यापारी, कृषक और नगरपालिका ठेकेदार के रूप में पेश किया। उनके पास पुणे के पास मंजरी में 60 एकड़ 24 हेक्टर खेत थे। कुछ समय के लिए उन्होंने सरकार के लिए एक ठेकेदार के रूप में काम किया और 1870 के दशक में पुणे के पास मुठा नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति की। उन्हें पुणे के पास कटराज सुरंग और येरवडा जेल के निर्माण के लिए श्रमिक प्रदान करने के लिए अनुबंध भी मिले। 1863 में स्थापित फुले जी के व्यवसायों में से एक धातु ढलाई उपकरण की आपूर्ति करना था। फुले जी को 1876 में तत्कालीन पूना नगर पालिका में आयुक्त, नगर परिषद सदस्य नियुक्त किया गया और उन्होंने 1883 तक इस अनिर्वाचित पद पर कार्य किया। प्रकाशित रचनाएं फुले जी के अखाड़े मूल रूप से मराठी वारकरी संत तुकाराम के अभंगों से जुड़े हुए थे। उनकी उल्लेखनीय प्रकाशित कृतियां हैं तृतीया रत्न 1855 ब्राह्मणांचे कसाब, 1869 पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी राजे भोसले यांचा अंग्रेजी लाइफ ऑफ शिवाजी इन पोएटिकल मीटर जून 1869 पोवाड़ा विद्याखत्यातिल ब्राह्मण पंतोजी जून 1869 मानव मोहम्मद मोहम्मद अभन गुलामगिरी 1873 शेतकारायचा आसुद कल्टीवेटर विपकोट जुलाई 1881 सत्सरंग 1 जून 1885 सत्सरंग 2 जून 1885 इशारा अक्टूबर 1885 ग्रामजोशी संबंधी जाहिर का भार 1886 सत्यशोधक समाजोक मंगलाष्टकाश सर्व पूजा विधि 1887 सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक अप्रैल 1889 सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1891 अखंडादि काव्य रचना अस्पृश्याची कैफियत। फुले जी के काम ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को प्रेरित किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने फुले जी को अपने तीन गुरुओं या स्वामी में से एक माना था। फुले जी की याद में कई संरचनाएं और स्थान हैं। इनमें शामिल हैं विधान भवन, महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा भवन के परिसर में पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई, जिसे पहले मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट के नाम से जाना जाता था। पुणे में महात्मा फुले संग्रहालय, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राहुरी में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ कृषि विश्वविद्यालय। पुणे में सबसे बड़ी सब्जी मंडी महात्मा फुले मंडई, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी का नाम पहले उनके नाम पर रखा गया था। लोकप्रिय संस्कृति में जी पी देशपांडे जी के जीवनी नाटक सत्यशोधक सत्य का साधक का पहली बार प्रदर्शन जन नाट्य मंच द्वारा 1992 में किया गया था। महात्मा फुले 1954 समाज सुधारक के बारे में एक भारतीय मराठी भाषा की जीवनी फिल्म थी जिसका निर्देशन प्रहलाद केशव अत्रे ने किया था। क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले जी के जीवन पर आधारित एक भारतीय नाटक टेलीविजन श्रृंखला 2016 में डीडी नेशनल पर प्रसारित की गई थी। सावित्री ज्योति, सावित्रीबाई जी और ज्योतिबा फुले जी के जीवन और कार्य पर आधारित एक मराठी नाटक टेलीविजन श्रृंखला 2019-2020 में सोनी मराठी पर प्रसारित की गई थी। सावित्रीबाई फुले 2018 में फुले के बारे में एक भारतीय कन्नड़ भाषा की बायोपिक बनाई गई थी। सत्यशोधक 2024 महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन के माध्यम से एक भारतीय मराठी भाषा की जीवनी यात्रा है। संदर्भ नोट्स। स्कॉटिश मिशन स्कूल का संचालन स्कॉटलैंड के फ्री चर्च द्वारा किया जाता था और इसमें विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फर्रार ने 1847 में बॉम्बे में लड़कियों का स्कूल शुरू किया था। छात्रों के साहित्यिक और वैज्ञानिक समाज ने 1847 में बॉम्बे के गिरगांव पड़ोस में लड़कियों के लिए कमलाबाई हाई स्कूल शुरू किया। ये स्कूल 2016 में भी चालू है। पियरी चरण सरकार ने 1847 में बंगाली शहर बारासात में काली कृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल नाम से लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया था। पारसी समुदाय मुंबई ने भी 1847 में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। वर्णाश्रम धर्म को दाइटमार रॉदरमुंड ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है जो प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य धर्म को उसकी जाति वर्ण और आयु ग्रेड आश्रम के अनुसार नियंत्रित करती है।
महात्मा की उपाधि, ज्योतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले के पुतले, औरंगपुरा, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा जी ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।